प्रेम प्रेम सब कहत, प्रेम न जाने कोई। जो पै जाने ही प्रेम तो मरे जगत क्यों रोए। आजकल हर कोई प्यार के नगमे गजलें लिखता गाता सुनता और सुनाता है, पर प्यार की असल परिभाषा 19वीं सदी में ही हिंदी साहित्य के एक महान कवि लेखक इस दुनिया को बता गए थे। ये लाइनें देखने में छोटी लग रही हैं, पर इनका अर्थ समंदर की तरह गहरा है। इनमें ये कहा गया है कि आजकल सब लोग कहते हैं कि उन्हें भगवान से प्रेम है, लेकिन प्रेम क्या है ये कोई नहीं जानता। जो वास्तविक प्रेम करना जानता है उसे संसार के छिनने से कोई गम नहीं होता। ये लाइनें लिखने वाले महान कवि साहित्यकार और शायर भारतेंदु हरिश्चंद्र की आज यानी 9 सितंबर को 140वीं जयंती है। आधुनिक काल के पुरोधा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 35 वर्षों के जीवन काल में हिंदी साहित्य की ऐसी रचनाएं की जिनकी तुलना आज भी नहीं की जा सकती। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 को बनारस में हुआ था। कहते हैं ना कि आपकी परवरिश पर आपके परिवेश का असर जरूर पड़ता है। इनका तो पूरा जीवन ही बनारस में बीता, जिसकी झलक इनकी लिखावट में जरूर दिखती है। इनकी लिखावट का परिमाप लेने के लिए किसी पैमाने की जरूरत नहीं है। इसका सटीक उदाहरण आधुनिक काल के प्रथम युग के आरंभ के काल को इनके नाम से रखे जाने पर ही पता चलता है, जिसे हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। इन्होंने कई भारतीय भाषाएं सीखी, जिनमें संस्कृत, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी और उर्दू भाषा शामिल थी। इनकी किताबों से हिंदी गद्य के विकास को एक नई उड़ान मिली। इनकी लिखावट से पत्रकारिता और हिंदी भाषा को एक नया आयाम मिला। सर्वप्रथम भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा पत्र निकाला, जिसमें उस दौर के प्रतिष्ठित रचनाकारों की रचनाएं प्रकाशित होती थीं। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक पत्रिका निकाली, लेकिन केवल 8 अंकों के प्रकाशन के बाद इस पत्रिका का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया। ये सफर यही नहीं थमा, इनकी कलम समय की गति से भी तेज चल रही थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने आधुनिक हिंदी साहित्य की कई विधाओं में लगभग 238 ग्रंथों की रचना की। इनमें मुख्य रूप से निबंध, कविता, नाटक, आत्मकथा और अनुवाद विधा शामिल है। अगर काव्य में कुछ प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनमें काव्य रचनाएं प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग, गीत गोविंद, मधु मुकुल, विनय प्रेम पचासा, भारत भिक्षा, भारत वीरत्व शामिल है। अगर नाटक लेखन की बात करें तो सत्य हरिश्चंद्र, प्रेम जोगिनी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी आदि प्रमुख हैं। अगर बात करें निबंध की तो उनमें प्रमुख निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, काशी, मणिकर्णिका, सूर्योदय, बद्रीनाथ की यात्रा, आत्मकथा, कुछ आप बीती कुछ जग बीती शामिल है। अगर यात्रा वृतांतों की बात करें तो सरयू पार की यात्रा, लखनऊ मुख्य है। अनुदित नाट्य रचनाओं की बात करें तो इनमें मुख्य हैं कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। इनकी कलम यही नहीं रुकी, ऐसे ही इन्होंने अनेक नाटक, कविताएं और अन्य विधाओं में रचनाएं की जो आज भी हमें पढ़ने सुनने को मिलती हैं। पर कहते हैं ना कि पूर्णमासी के बाद अमावस्या होना तय है। हिंदी साहित्य का ये पूर्णमासी का चांद हमेशा के लिए अस्त हो गया। इनकी रचनाएं आज भी हमें नई दिशा देती हैं, जिसका सबसे सटीक उदाहरण कुछ इस प्रकार है। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल।